पंचायत सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए जारी किए गए आरक्षण की सूची पर सोमवार तक जिला मुख्यालय पर कुल 499 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने सभी एडीओ के साथ बैठक के बाद बताया कि प्राप्त आपत्ति में प्रधान के 401, प्रमुख के 17, जिला पंचायत वार्ड के 55, क्षेत्र पंचायत वार्ड के 26 सहित कुल 499 आपत्तियां प्राप्त हुई। इसके अलावा विभिन्न विकास खंड से 331 आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें कुछ आपत्तियां विकास खंड के साथ जिला मुख्यालय पर भी प्राप्त हुई हैं। डीपीआरओ ने बताया कि विकास खंड गोला में 41, भटाट में 39, सहजनवा में 4, बड़हलगंज में 20, गघा में 23, खोराबार में 5, सरदारनगर में 8, कौड़ीराम में 28, खजनी में 34 व पाली में 10 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों का 10 और 11 तारीख को मीटिंग कर उसका निस्तारण किया जाएगा तथा 15 मार्च की अंतिम सूची घोषित कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, कितने ग्राम पंचायत जो है एक्चुअली में वो लोग सब एसटी का फायदा उठा रहे हैं, किसी एंगल से एसटी नहीं लगते। हाँ सर, बस वही बन पा रहा हूँ सर, यही कि यहाँ पर कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है सर। एक ही आपत्ति कई बार उठी है आज तक, 4 से 8 मार्च तक हम लोगों के द्वारा जो है आपत्ति मंगाई जा रही थी। कुल जिला मुख्यालय पे अभी तक प्रधान के लिए 401, प्रमुख के लिए 17, जिला पंचायत वार्ड मेंबर के लिए 55 और बीडीसी मेंबर्स के लिए 26, कुल 499 आपत्ति जो है वो जिला मुख्यालय पे प्राप्त हुई है। इसके अलावा विभिन्न ब्लॉक में जिसमें कि गोला में 41 है, भरोइया में 11 है, पाली में 10 है, मासगांव में 9 है, इस तरह से ब्लॉक स्तर से हमें कुल मिलाकर के 331 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं आज तक में, और दोनों जोड़ दिया जाए तो जिला मुख्यालय और ब्लॉक मिलाकर के कुल 830 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जब आपत्तियों का एनालिसिस हमने जो इनिशियल प्रारंभिक जो अध्ययन किया है उससे ये ज्ञात हो रहा है कि कुछ आपत्तियां जो है वो सेम आपत्ति जिले पे भी की गई है, वही आपत्ति कई जगह पे ब्लॉक पर भी की गई है। इस तरह की मुख्य आपत्तियां अभी तक देखने में आई हैं? आपत्तियां वही है ज़्यादातर प्रधान से, सबसे ज़्यादा आरक्षण में प्रधान पद के आरक्षण से लेकर के है कि जैसे हमारा SC क्यों नहीं हो गया, या हमारे यहाँ SC की जनसंख्या कम है, SC कैसे हो गया, हमारे यहाँ सामान्य की जनसंख्या कम है, सामान्य कैसे हो गया, इस तरह से हमारे यहाँ दो बार पहले भी OBC थी तो फिर से OBC कैसे हो गया, इस तरह का जो है इस तरह की ज़्यादातर आपत्तियाँ हैं। उसी तरह से जिला पंचायत में भी जो कैटेगरी मिली है इसके आरक्षण के उसको लेकर के सवाल है, तो सभी सवालों का जवाब 10 और 11 तारीख को दिया जाएगा। आज जैसा आप देख रहे हैं आप सभी एडीओ पंचायत की बैठक बुलाई गई है, सारी जितने जिला स्तर पर जो आपत्ति है वो सारी आपत्तियां उनको जेरोक्स करा के दी जा रही है, वो इसका कल अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके कल इसको अपने कंप्यूटर में फीड कर लेंगे। 10 और 11 को 5-5 ब्लॉक को हम लोग दोनों हाफ में बुला रहे हैं, कुल 20 ब्लॉक हैं, तो 10 के फर्स्ट हाफ में 5 ब्लॉक, सेकेंड हाफ में 5 ब्लॉक, 11 को फर्स्ट हाफ में 5 ब्लॉक और सेकेंड हाफ में 5 ब्लॉक, इस तरह से कुल 20 ब्लॉक को बुला करके हम उनके आपत्तिकर्ता को, शिकायतकर्ता को भी यहाँ बुलाया जाएगा, उनके समक्ष आपत्ति का निस्तारण करा करके उनको उन्हें संतुष्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा और जो भी होगा उसके बाद उसका निराकरण किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रसाद करेंगे? अंतिम सूची का प्रकाशन 13 या 14 को किया जाएगा और 15 तक उसे निर्देशालय भेज दिया जाएगा।